दोस्तों फाइनली आरबीआई की हर एक नेगेटिव न्यूज के बाद में अब आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज मार्केट के लिए आते हुए देखने को मिल रही है, और इस न्यूज का इंपैक्ट हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। क्या है कंप्लीट न्यूज, आइए जानते हैं। तो आप देख सकते हैं आरबीआई की जो आज के दिन मुंबई के अंदर इवेंट था, उसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया है, जहां पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि इंडिया का डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो ग्लोबल मार्केट से बहुत ही शानदार तरीके से इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इंडियाज डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैव इंप्रूव्ड फर्दर डिस्पाइट द डाउनसाइड रिस्क पोस्ट टू ग्लोबल ग्रोथ। तो यहाँ पर हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी जा रही है, इसका एक पॉजिटिव आउटकम समय आने वाले मंथ्स में हमारी जीडीपी ग्रोथ के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। जो आरबीआई की तरफ से मंथली बुलेटिन यहां पर पब्लिश करी जाती है, उसमें आरबीआई के गवर्नर ने यहां पर क्लियरली इंडिकेट किया है कि हमारी जो ग्रोथ है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ग्रोथ है, उसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी फॉर 2021-22 सरपास इट्स प्री पेंडेमिक 2019-20 लेवल बाय 1.5% एक्टिवली इज गेनिंग स्ट्रेंथ इन 2022-23। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें मार्केट के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो यहाँ पर निकल कर आ रही है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से निकल कर आ रही है। यहाँ पर टोटल 162 मेंबर्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के, यानी कि टोटल 162 कंट्रीज हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलती है, और यहाँ पर इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो पॉइंट्स यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के सामने रखे गए थे, उन सभी पॉइंट्स का एक फेवरेबल आउटकम्स हमें आते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि WTO की तरफ से सभी पर यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, और इसकी जानकारी इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से दी गई है। आप डेट भी कंफर्म कर सकते हैं। अभी न्यूज़ आपके सामने, आफ्टर 5 days ऑफ अर्डियस डिस्कशन एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सोर्सेस इंडिकेट द इंडिया मेड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस विथ इट्स पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस्ड इन ऑल सेक्टर, यानी कि किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि जितने भी पॉइंट्स हर सेक्टर में, लाइक टेक्सटाइल सेक्टर्स की बात कर लें, इंटरनेशनल और टेक्स सेक्टर्स की बात कर लें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर लें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें, सभी के अंदर जो पॉइंट्स थे उन्हें यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की ये जो मीटिंग हमें कंडक्ट होते हुए देखने को मिल रही थी, इसमें टोटल 162 मेंबर्स एंड कंट्रीज के वो यहाँ पर इन्वॉल्व हुए थे, जहाँ पर इंडिया इज 100% सेटिस्फाइड विद द आउटकम्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन MC12 कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 100% सेटिस्फाइड है, यानी कि जो भी हमारे चेक मार्क्स थे, जो भी हमारे पॉइंट्स थे, उन्हें यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने समझा है और सभी की तरफ से यहां पर मंजूरी मिल चुकी है। तो अब यहां पर इसकी जो आपको कंडीशन से जो आपको आने वाली ग्रोथ है वो आने वाले लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकती है, यानी कि अब यहां पर हमें फर्दर कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ मिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी हाईलाइटेड किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया वॉज सक्सेसफुली इन इंश्योरिंग द लाइवहुड ऑफ इट्स फार्मर एंड फिशरमैन। जैसा कि आपको बताया कि हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो सबसे ज़्यादा खेती करी जाती है, उसमें फार्मर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और फार्मर्स को सारी सुविधाएं मिले इसके लिए यहाँ पर जो मिनिस्ट्री की तरफ से, पीयूष गोयल की तरफ से जो पॉइंट्स WTO के सामने रखे गए थे, उन्हें सभी पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ फिशरमैन जो कि हमें साउथ की तरफ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होती है, वहाँ पर जो भी हमें क्राइसिस देखने को मिलते हैं उसको लेकर भी यहाँ पर जो भी पॉइंट्स रखे गए थे WTO के सामने, उसको लेकर भी यहाँ पर पूरी तरीके से मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ पर जो आउटकम्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये आउटकम्स बहुत ही पॉजिटिव है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड ई कॉमर्स सॉल्यूशंस के अंदर भी कुछ बड़ी अपडेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है।
तो ये जो न्यूज निकल कर आई है, इसी न्यूज के कारण आज के दिन मार्केट भी आपको स्टेबल देखने को मिला है, यानी कि कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिली है। क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट से हम इंडिया के स्टॉक मार्केट को कंपेयर करें तो ग्लोबल मार्केट में हमें पूरी तरीके से फ्री फॉल देखने को मिल रहा था, पूरी तरीके से वहां पर हमें जुबा केसरी देखने को मिल रही थी, गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जाकर हमें इंडिया का बाजार थोड़ा सा आज के दिन संभलते हुए देखने को मिला है। साथ ही साथ आरबीआई ने यहां पर पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किया है। अब 15,000 तक के पेमेंट्स के ऊपर किसी प्रकार की OTP की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस RBI की तरफ से किए गए हैं और ये चेंजेस भी आज ही के दिन किए गए हैं। आप देख सकते हैं 17 जून आज ही के दिन ये आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो यहाँ पर निकल कर आ रही है वो है SBI कार्ड के शेयर होल्डर्स के लिए। RBI ने मास्टर कार्ड्स के ऊपर जो रोक लगाई थी उसे कंप्लीटली यहां पर हटा दिया गया है, यानी कि अब आपको अगेन जो मास्टर कार्ड है वो यहां पर बैंक के वापस प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिलेगी, वापस इशू करते हुए देखने को मिलेगी। तो SBI कार्ड का शेयर जो कि डिक्लाइन होकर लगभग 690 तक आ चुका है, वापस अगेन आपको यहां पर एक रिवर्ट देखने को मिल सकता है, एक तेजी यहां पर बनते हुए देखने को मिल सकती है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो RBI टू रोल आउट डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स सून। तो यहां पर जो भी बैंक या फिर जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट किसी भी नॉर्मल पर्सन्स को, किसी भी कॉर्पोरेट्स को जब लोन प्रोवाइड करता है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है लोन रिकवरी के लिए, तो इसके लिए RBI ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्म्स यहाँ पर RBI लेकर आ रही है डिजिटल लैंडिंग्स के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट, काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट आज के दिन हमें RBI की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल शॉर्टली पुट ऑन गाइडलाइंस टू रेगुलेट डिजिटल लेंडिंग, द सेंट्रल बैंक गवर्नर सेड ऑन 17 जून वाइल कंडनिंग द अर्जली बिहेवियर ऑफ लोन रिकवरी एजेंट्स इन रेगुलेटेड इन नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज। तो काफ़ी बड़ी अपडेट्स हमें आते हुए देखने को मिल रही है। जो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि जो NBFC कंपनियाँ हैं जो कि आपको लोन देती है, उनकी जो लोन रिकवरी की प्रोसेस है उससे यहाँ पर हम काफ़ी टाइम्स यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज रहती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। और इसी को स्ट्रिक एक्शंस लेते हुए RBI यहाँ पर नॉर्म्स लेकर आने वाली है, यानी कि अगर आपसे कोई इसी बिहेवियर में अगर आपसे कोई बात करता है तो आप उसकी कंप्लेंट डायरेक्ट RBI को भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी अपडेट्स हमें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो WTO की तरफ से यहाँ पर आज के दिन अप्रूवल मिला है, जो मिनिस्ट्री की तरफ से पीयूष गोयल की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया है, वो भी हमें लॉन्ग टर्म में फेवरेबल देखने को मिल रहा है। तो यदि आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अभी के टाइम पर मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो हमें स्टेबल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर वीकेंड में जो भी फर्दर अपडेट्स निकल कर आएगी वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हर एक न्यूज पर मार्केट आपको पूरी तरीके से वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। जैसे ही कोई अनदर अपडेट्स आएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल से और यूट्यूब चैनल से अपडेट कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।